हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति शर्मा स्टूडियो। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैसा जा रहा है आप लोगों का नवरात्रि? आज जो है नवरात्रि का 7वां दिन है एंड मैं ये वीडियो आई थिंक कल पोस्ट कर दूंगी। सो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि गाइस। और मैंने एक्चुअली मैंने बहुत सुंदर सा बैकग्राउंड बनाया था फूल वूल सजा कर, लेकिन बाहर कुछ माता के भजन वजन चल रहे हैं तो आवाज़ आप लोगों को क्लियर नहीं आती, इसलिए मैंने दोबारा से अपने पुराने वाले बैकग्राउंड में आ गई। बहुत ज़्यादा मैसी है, बट ऊपर ना फ्रेम भी है, बट ये कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, थोड़ा सा ऊपर करके देखो, ये ऊपर ऊपर सब फ्रेम व्रेम है ताकि बैकग्राउंड अच्छा आ सके, लेकिन ये कभी फ्रेम में आते ही नहीं, मतलब मेरे सेट ही नहीं होते। एनीवेज सारी बातें छोड़ते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो हॉल होने वाली है मिंत्रा फेस्टिव वियर हॉल। आप सब लोग जानते हैं कि मिंत्रा पर दशहरा फेस्टिवल सेल चल रहा है जो कि 25th of October तक फिनिश हो जाएगा। उसमें आप लोग को बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। सो मैंने ना आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जब मैंने अपना लास्ट मिंत्रा हॉल किया था, कि मैंने बहुत सारी कुर्तीज मंगाई हैं मिंत्रा से। कुछ आ गई थी तो वो मैंने आप लोगों को लास्ट वाले हॉल में दिखा दी, कुछ अभी रिसीव हुई हैं तो वही मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सिर्फ एक कुर्ता सेट पे दुपट्टा है, जो कि थोड़ा सा अफोर्डेबल है, सॉरी कॉस्टली है। अफोर्डेबल तो बाकी सारे हैं क्योंकि वो दुपट्टा के साथ में, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली है। मैंने वो डिस्काउंट प्राइस में लिया था, बट अभी आप करंट प्राइस उसको चेक कर लेना, बट बहुत ज्यादा सुंदर है। अष्टमी वाले दिन मैं वही पहनने वाली, तो फोटोज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, आप लोग भी मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। सो गाइस, हम अपना ना अभी बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही वाली कुर्ती दिखाती हूँ। तो जो भी अभी कुछ कुर्तीज दिखाऊंगी, चार ही आउटफिट्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, क्योंकि मुझे जो रिसीव हो गया था वो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो ये कुर्ती है पिंक कलर में, बहुत ही सुंदर है, सभी कॉटन के फैब्रिक में आया है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। अभी प्राइस मुझे याद नहीं है, मैंने नोट भी नहीं किया है, तो मैं स्क्रीन पर आप लोगों को दे दूंगी। और ये ना एक ना इस तरह की स्ट्रैप कुर्ती है, तो यहाँ से टाई कर सकते हो आप। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को दिखाया था टाई वाला था, उसके अंदर ना एक बैंड स्टिचिंग बैंड दिया होता, जिसके अगर ये खुल भी जाता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक बैंड दिया जिसे आपको बांध के ही रखना पड़ेगा। तो ये बैंड वाले हैं, इस तरह के स्ट्रैप्स आपको मिल जाते हैं, बिल्कुल सिंपल हॉल्टर नेक जैसा थोड़ा सा ये इस तरह का है। और ये पूरी स्ट्रेट कुर्ती है, मैंने आप लोगों ने ये जीन्स के साथ में वियर करके दिखाई है। और आप देख लो, बिल्कुल सिंपल सोबर सी है, किसी भी फेस्टिव ओकेजन में आप आराम से पहन सकते हो, ऑफिस में भी पहन सकते हो, कॉलेज में भी पहन सकते हो। बहुत मतलब बहुत ही सुंदर सी एलिगेंट सी कुर्ती है, और थोड़ा सा ना ये नया सा मॉडर्न सा टच इसके अंदर मिल जाता है इन स्ट्रैप्स की वजह से। तो बहुत ही प्यारी है, स्ट्रेट कुर्ती है, साइड में स्लिट आपको मिल जाएगा, ड्रायर में लगा रही हूँ उसमें आप देख लेना। और बैक साइड से ना अंदर से कुछ ये इस तरह का वाइट प्लेन है, तो बिल्कुल भी सीधे, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। आज मेरा स्ट्रैपलेस वाले पहनने का मन नहीं था, तो मैंने स्ट्रैप वाली ही जो है वो इनर इसके अंदर पहना हुआ है। बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि आर्म से आपको थोड़ा सा टाइट आ रहा होगा। तो मैंने मीडियम साइज में वियर किया है, सारी की सारी कुर्तीज मैंने मीडियम साइज में वियर किया है। सो इसका प्राइस मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दे दूंगी। तो आप इसको ना एज अ इंडियन टच देना चाहते हो तो किसी भी बॉटम वियर के साथ में, व्हाइट प्लेन के साथ में पहन सकते हो। अपना पेयर आप करना चाहते हो दुपट्टा बॉटम के साथ में तो वो भी आप पहन सकते हो, वो इट्स कंप्लीटली अप टू यू। अब नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ ना, वो बहुत ही प्यारी कुर्ती है, वो सिर्फ इसके ना नेक डिजाइन की वजह से मैंने परचेज किया था, प्योर कॉटन के फैब्रिक में है। एक मिनट में पहले इसको ना सीधा कर लूँ क्योंकि मैंने जस्ट अभी ट्राई ऑन खत्म किया। तो ये कुर्ती है अनायना ब्रांड से है, स्क्रीन पर दे दूंगी। प्योर कॉटन के फैब्रिक में, बहुत ही अच्छी होती है इनकी कुर्तीज, प्राइस भी इसका स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो ये प्योर कॉटन के फैब्रिक में है, ये स्लीवलेस कुर्ती, कोई स्लीव्स इसके साथ में आपको नहीं मिलती, लेकिन ये ना इसका फिट बहुत अच्छा है। मुझे थोड़ा सा टाइट आ रहा है ये वाला, बट परफेक्ट फिटिंग में आ रही है, बहुत ही प्यारा, आप देखना फिटिंग। इसका नेक की वजह से मैंने परचेज किया, तो इसका ना नेक अगर मैं दिखाऊं तो ये इस तरह का कुछ नेक आपको मिलता है। तो ये मैं अपनी सिस्टर को देने वाली हूँ ताकि वो दिवाली या किसी भी ओकेजन में पहन लेंगी, वो बहुत कम पहन ये कुर्तीज, पर उसके ऊपर बहुत प्यारा लगेगा हल्के से लूज फिट में। सो इसके ऊपर ना इस तरह का फ्लोरल प्रिंट है जो कि नीचे तक जा रही है। ये एक स्ट्रेट कुर्ती है जिसे आप जो है ना जीन्स के साथ में, मैंने इसी जीन्स के साथ में वियर करके आपको दिखाया है, आप इसको व्हाइट बॉटम के साथ में वियर कर सकते हो। पेयर अप करना चाहो व्हाइट बॉटम और दुपट्टा के साथ में तो वैसे भी आप कर सकते हो, कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कैसे स्टाइल करना चाहते हो। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती है, बैक साइड में भी बिल्कुल इसी तरह का डिजाइन है और ये बिल्कुल भी सीधी नहीं है। मैं ये मस्ट बाय कुर्ती है, ये वाली भी जितनी मुझे पसंद आई है वो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। जो आपको पसंद है वो आप परचेज करना। तो इसकी बाकी सारी डिटेल स्क्रीन पर मिल जाएंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाए। अब नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, और ये इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है, और पहनने पर ना यार बहुत ही प्यारी लग रही है, कोई भी पहन सकता है इसको। और ये मैं अभी कुछ दिनों में पहनने वाली हूँ। ये है ये कुर्ती, और ये किस ब्रांड से? ये सांग्रिया ब्रांड से है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है ये वाला। तो ये इस तरह के प्योर कॉटन के फैब्रिक में आती है, इस तरह का मेंडरन नेक आपको मिल जाएगा। नेक में ना कोई ऐसा ओपन करने का नहीं है, इतना ही ओपन ही आपको मिलेगा। बाकी इसमें थ्री क्वार्टर, ये जो स्लीव है वो थ्री क्वार्टर मिल रहा है, लेकिन इस तरह का बेल स्लीव मिल रहा है जिसके ऊपर बहुत ही प्यारा काम है।
ट्राई ऑन देखो, मतलब ज्यादा ना फ्लोई सा लुक आ रहा है स्लीव्स पर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द स्लीव्स पर जिस तरह का ये स्टाइल इसके ऊपर स्लीव पर है और जो प्रिंट वगैरह काम किया गया, जो कलर है बहुत ही प्यारा है। हर चीज इस कुर्ती की ना बहुत ही ज्यादा प्यारी है। लॉन्ग कुर्ती नहीं है, कुछ काइंड ऑफ अ शॉर्ट कुर्ती है जो आपकी नीज तक आएगी, नीज से नीचे नहीं जा रही है, और इसके ऊपर ना बहुत ही प्यारा सा इस तरह का काम किया गया। ये अलग से ऐसा नहीं है कि आपको ना कोई गोल्ड फॉइल वाला काम किया गया, ये फैब्रिक ही प्रिंटेड है तो प्रिंट कलर कुछ भी नहीं जाने वाला, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और पूरा नेक से लेकर नीचे तक अलग अलग डिजाइन जा रहा है इसका, तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी। तो ये ना कुछ जैसे ऊपर से ऐसे फैलती हुई जा रही है, तो बहुत ही प्यारा इसका लुक है। आप ट्राई ऑन देखो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, हो सकता है मैं वीडियो में ना समझा पा रही हूं आपको। तो ये बैक साइड से भी पूरा इसी तरह का प्रिंट है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है, बिना सोचे समझे आप मंगा लो। अभी विंटर्स भी आने वाली है तो फुल स्लीव्स में आ रहा है, बहुत ही प्यारा है। हल्का सा इसका फैब्रिक थोड़ा सा मोटा भी है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, अच्छा मतलब कंफर्टेबल है अगर एक लाइन में बताओ। अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है, और ये भी मैंने आप लोगों को ना जींस के साथ में पेयर करके दिखाया है, तो आप जैसे इसको पेयर अप करना चाहो अपने तरीके से वैसे आप कर सकते हो। इसका प्राइस मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दे दूंगी, बट ये मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी अगर आप कोई भी कुर्ती लेने की सोच रहे हैं ना, घर में सबको पसंद आएगी। अब लास्ट इज हॉल की जो मैं कुर्ता आपको दिखाने वाली हूं, वो एक कुर्ता सेट है जो कि दुपट्टा के साथ में, आई थिंक वो आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये वाला जो है, सबसे पहले मैं इसका कुर्ती आपको दिखाती हूँ, मिश्का ब्रांड से है ये वाला, थोड़ा सा कॉस्टली है, देख लेना अगर आपको ठीक लगता है ये वाला, बट अभी डिस्काउंट प्राइस में भी है तो आपको और अच्छे में मिल जाएगा। तो ये मिश्का ब्रांड से है, क्या हो रहा है, ये स्ट्रैप वाला कुर्ता है, ये इस तरह की स्ट्रैप है जिसके ऊपर इस तरह का गोल्डन गोटा वर्क है, बिल्कुल सोबर कुर्ती सेट है ये वाला ना। स्लीवलेस आपको मिलेगा इस तरह का स्ट्रैप, कोई स्लीव इसके साथ में नहीं आता है। ऊपर से नीचे तक ये कुछ इस तरह का अनारकली स्टाइल में जा रहा है, बिल्कुल सॉलिड कलर में, इस तरह के ग्रीन कलर में, और हेम आपको ना जो मिल रहा है उसके ऊपर भी गोटा वर्क दिया गया, तो इतना हेम आपको इसके अंदर मिल रहा है। कॉटन के फैब्रिक में बिल्कुल भी सीज नहीं है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। मेरी हाइट की अगर आप है ना, तो बॉटम थोड़ा बहुत ही आपको दिखता है, इसका बॉटम भी बहुत प्यारा है, सॉलिड कलर में है, फुल्ली इलास्टिकेट वेस्ट बैंड में, इसके अंदर आपको एक पॉकेट भी मिल रही है, और जो बॉटम है ना वो कुछ इस तरह का शरारा स्टाइल जाता है, मतलब पलाजो, खुला पलाजो आप लगा लो तो इस तरह का है, ऊपर से नीचे तक इस तरह का जा रहा है, और जो विड्थ है ना अच्छी खासी विड्थ मिल रही है, जिसके बॉटम में आपको इस तरह का वर्क भी मिल रहा है, और अंदर से इस तरह का दिख रहा है, बिल्कुल भी सीटर, बहुत ही सुपर डुपर कंफर्टेबल है। इस कुर्ता सेट का जो कंप्लीट करता है और सुंदर और ज्यादा सुंदर बनाता है, वो है इसका दुपट्टा सेट, जो कि ये है, सॉरी दुपट्टा, जो कि पूरा ऑल ओवर प्रिंट आपको इसके ऊपर मिल रहा है, इस तरह का फ्लोरल प्रिंट है आगे से पीछे तक, ये पूरा प्रिंटेड आपको इसके अंदर मिल रहा है, और ये ना स्टॉल टाइप में आपको मिलेगा, तो इतनी विड्थ मिल रही है और विड्थ लेंथ दोनों में ही आपको चारों साइड पर इस तरह का ना गोटा वर्क मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा प्यारा है। ट्रायन में आप देखोगे ना तो मजा आ जाएगा आप लोगों को देखने में। अगर इनमें से यही वाली कुर्तीज हैं गाइज, आज की हॉल में मैंने बहुत ज्यादा अभी नहीं मंगाई थी, तो लास्ट वीडियो में ऐड करना चाहती हूँ, तो छूट गई थी, तो आई थॉट चलो दशहरा सेल आ गया उसमें इंक्लूड करके आपको दिखा देती हूँ। तो आई होप जो भी आउटफिट्स मैंने आप लोग को अपनी इस वीडियो में दिखाए हैं उनमें से कुछ तो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में भी शेयर कर दें अगर वो कुछ लेना चाहते हैं। तो यही फेस्टिवल टाइम होता है जो हम सब लोग कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ अपने लिए अच्छा परचेज कर ले। तो आप लोग को थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।